सभी से निवेदन है अपने अपने मोबाइल को साइलेंट रखें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी के बीच में पूज्य पाठ सदगुरुदेव भगवान पधार चुके हैं। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग क्रमशः एक एक कर गुरुदेव भगवान से जो भी पूछना है पूछते जाएं, गुरुदेव भगवान यहाँ से उत्तर देते जाएंगे। जी। इसको बाबर के सेनापति वीर बाकी ने तोड़ा, 496 वर्ष हो गए, 6 जून 1528 को तोड़ा था, अभी 24 है, 496 वर्ष के बाद 2,00,000 हिंदुओं के बलिदान के पश्चात हम ये अक्षर देख रहे हैं। पंद्रह ने 75 संघर्ष हमने देखे, 76 में सफल हुए। हमने गांव गांव 6,640 गांवों में हमने राम जी की ईंटों की पूजा करा, राम मंदिर की ईंटों की पूजा कराई, नाना या अनेक यात्रा ऐसे ही जेल गए, डंडे खाए, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव के शासन काल में 95 में मेरी कथा दिल्ली में चल रही थी मॉडर्न टाउन में, तो मेरे पंडाल में भी आग लगा दी गई। उनको भ्रम था कि जगत गुरु यहाँ साइन कर रहे होंगे, पर मैं वहां नहीं था, भगवान ने बचा लिया। इसके बाद गवाही देखी, गवाही दिया और अपने प्रतिभा से न्यायाधीशों को संतुष्ट कर दिया मैंने। उच्च न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, थोड़ा सा था, तिहाई भूमि उन्होंने मुसलमानों को दे दी थी। हमने फिर याचिका की सर्वोच्च न्यायालय में और 9 नवंबर 2019 को हमारे पक्ष में निर्णय आ गया कि इनको अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है, हम जो बनाना हो बनाए। और आज हमने भूमि पूजन किया और कल ही रामलला जी हमारे टेंट को छोड़कर, पहले ताले में बंद थे, फिर सामान्य टेंट में, फिर वीआईपी टेंट में, अब अपने गर्भगृह में कचकल चले गए। कल उनकी पूजन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आज भी पूजन हो रहा है, कल भी होगा। कल 12:29 पर अपराह्न में रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। ये हमारे जीवन का सर्वोच्चतम क्षण होगा। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है, पर हम मंदिर को अपने अधिकार से बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का इसमें प्रश्न कह रहे हैं आपको जी, कैसा क्या है? क्योंकि एक एक आप पूछना क्या चाहते हैं? सभी लोग एक ही प्रश्न, पहली बात अभी हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम अकाम माने अयोध्या, अयोध्या हमको मिल चुकी है और काशी मथुरा भी हम लेंगे। शुक्ला जी धर दीजिए, इसके पश्चात मनुष्य की मनसा होगा। यदि हिंदू राष्ट्र होता भी क्या आपत्ति है? यदि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, कतर कुवैत ये सब मुस्लिम राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा।
गुरुजी में जय श्री राम। तरुण पीड़ा होती है जैसे अभी पीड़ा हो रही है, प्रेम बनता हूँ आपको, बिना पीड़ा के आनंद की अनुभूति भी तो नहीं होती, होने दो पीड़ा, जब तक संघर्ष नहीं होते तब तक उत्कर्ष भी नहीं होता। गुरुजी मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह टीवी 27 से हूँ। गुरुजी जानना ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत कम समय बाकी रह गया है, अभी भी कुछ धर्म के लोग और कुछ राजनीतिक लोग जो हैं इसमें मीन मेख निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहा मैं शीघ्रता के साथ जगत गुरु दंडोत मठ भानु प्रताप सिंह द पायनियर अखबार से बोल रहा हूँ। गुरु जी मेरा प्रश्न इसे प्राण प्रतिष्ठा से हटके है, आज समाज में जगत गुरु और शंकराचार्यों की संख्या बढ़ गई है, इसका चुनाव प्रक्रिया कैसे है, इस पर रोक कैसे लगे कि ऑथेंटिक जगत गुरु बने जिससे कोई सनातन धर्म का दुष्प्रचार न कर सके? पहले यही प्रक्रिया थी कि जो तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखता था वही जगत गुरु बनता था। वे तीन ग्रंथ थे प्रस्थान त्रय, श्रीमद भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषद। ये प्रक्रिया वल्लभाचार्य तक चली, इसके बाद टूट गई। पर आपको बताकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैंने यह प्रक्रिया फिर चलाई 1998 में, 4200 पृष्ठों में तीनों ग्रंथों पर संस्कृत भाषा लिखा और उनका लोकार्पण तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो प्रक्रिया तो यही है कि जो प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखे वही शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, गौड़ मध्येश्वर वही वही बने। तो आजकल तो बस पैसा पैसा फेंको तमाशा देखो हो गया है। गुरुदेव भगवान आपका मैं अयोध्या नगरी में स्वागत करता हूँ। मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी हूँ और मेरे निज मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु जी मैं नितिशा बंसल टीवी 27। आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमारी है और हमें मनाना चाहिए, और वास्तव में स्वतंत्रता तभी थी, अभी ये तो इसको हमें आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, हिंदुओं के स्वाभिमान के विजय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। उनको भाषा में संयम बरतना चाहिए। बेटी चार बातें होनी चाहिए हमारे जीवन में, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। गुरु जी मैं कह दूं और वहीं पर गर्भगृह बना भी है। आप बताइए निर्णय आने के बाद एक भी रक्तपात हुआ, एक भी बूंद रक्त गिरा किसी का? क्या ये मोदी के नेतृत्व की ही क्षमता है कि विश्व के सभी नेता भारत के चरणों में मस्तक टेक रहे हैं। जगत गुरु जी साधक शतक मनाया जाएगा, चकाचक मनाया जाएगा। तो उसमें द्वारा नुकसान क्या मनाया नहीं तो वो छह जगत गुरु आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे कोई तो बहुमत से हमारा पक्ष ठीक है, वो नहीं आ रहे उनको नहीं समझ, उनको नहीं, उनको धर्म का विरोध लग रहा, लग रहा है धर्म का विरोध है नहीं। मकर संक्रांति के सूर्य है, सौर मास में माघ मास है और 12:29 पर त्रेता की छाया पड़ रही है कलयुग पर, और सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो जो राम, जिस समय राम जी गर्भगृह में पधारे अपने आप मुहूर्त आ जाएगा, इसमें मुहूर्त की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चारों भाइयों समेत राम है? हाँ हाँ होने दीजिए, लेकिन चर्चा केवल राम की आ रही है, इसलिए आ रही है कि राम लला का पहले जन्म हो चुका था, राम लला में सारे भाई अपने आप आ जाते, चारों भाई क्यों भी प्रमुख तो राम जी है, चारु रूप शील गुणधामा तदपि अधिक शिव सागर नामा।
शीघ्र शीघ्र। गुरु जी प्रणाम, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ये जो लोग निमंत्रण पाने के बाद नहीं आए, इनके बारे में आपकी आज्ञा से कार्यक्रम गुरुवर, दो प्रश्नों के बाद कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। एक सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आपकी मुलाकात होती रहती है, और कुछ बातचीत हुई है कल को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? हाँ, बातचीत हो गई थी। जिस समय निमंत्रण मिला था उनको उसी दिन बात हो गई थी। मैंने कह दिया था कि धर्म का विरोध नहीं, चक आओ। तो नरेंद्र मोदी भी गृहस्थ वेश में संत हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला जो राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित कर चुका। गुरुवर, आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश के, मैं तो बोलने के लिए भी बोली, हमारे गुरुवर है अवनीश अवस्थी जी, जो आपके शिष्य भी हैं, आपके आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं। संभवतः सभी के प्रश्न हो गए हैं। एक लास्ट प्रश्न है जो दर्शन न्यूज से। गुरुवर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज ये जो हम लोग दिन देख रहे हैं, आप इसका श्रेय किनको देते हैं, और आज हुतात्माओं को जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया उनको सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी, और यहाँ से आगे भारत का भविष्य क्या? मैं इसका श्रेय उन 2 लाख हिंदू बलिदानियों को दे रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इसका श्रेय अशोक सिंगल जी को, अभयनाथ जी को, आचार्य रामचंद्रदास परमहंस जी को, ऐसे अनगिनत लोगों को इसका श्रेय जाता है। और मैं आपसे लिए क्या कहूं, मेरा तो श्रेय भी है और प्रेय भी। भारत का भविष्य बहुत अच्छा दिखेगा, राम राज्य की छाया आएगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे रामलला जी, आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भारत को 3 उपहार दे दीजिए, 4 रामलला। पहला उपहार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, दूसरा उपहार चीन के द्वारा 800 वर्ग मील जो हमारी जमीन वो हमको मिल जाए, तीसरा उपहार भारत सर्वप्रथम व्यवस्था बन जाए, अर्थव्यवस्था बन जाए, और चौथा उपहार रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बन जाए और गोवर्धन हो जाए। जय श्री राम। जोरदार तालियों से।